Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Harival, Harival, everybody. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Yasye tamātmini jagad vilayāmu madhye. Seshatmanan jisukhanu bhavo nirihaha Yoge namilita drigatma nipita nidhru Turye sito na tutamo na gunam cha yungshe O my Lord, O Supreme Personality, Godhead, after the annihilation of the creative energy is kept under you, who appear to sleep with half-closed eyes. Actually, however, you do not sleep like an ordinary human being, but are always in a transcendental stage beyond the creation of material world. You always feel transcendental bliss. As Karnodakshay Vishnu, you thus remain in your transcendental status, not touching material objects, although you appear to sleep, the sleeping is distinct from the sleeping in ignorance. तो आज किस पे मेडिटेशन है कार्नोदक्षे विद्रु विष्णु की निद्रा में हम लोग भी इमिटेट करने की कोशिश करते हैं बिस्तर में सो के आहा जैसे भगवान की रासलीला को कुछ लोग इमिटेट करते हैं कुछ लोग भगवान की कार्नोदक्षे विष्णु लीला को इमिटेट करना चाहते हैं जैसे पानी में कभी कोई लेटा उल्टा जिसको थोड़ा स्विमिंग आता है पानी में उल्टा लेट जाते हैं बड़ा मजा आता है आनंद में तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो आप कर सकते हो भगवान नहीं कर सकते कि वो भी कौन से ओशन ओशन में क्या बोलते हैं उस ओशन को
causal ocean maybe, or Garbhodaka ocean maybe, he is lying down. And then, just like we are enjoying, he is also enjoying. Actually, hamara jo tendency unhi se aaya. He is lying down. Achha lagta na, aag band karke let jate hain ghante. लेकिन समुद्र में वो नहीं करना चाहिए, डेंजरस रहता है. कोई बड़ा वेव आ गया, 2-3 बच्चे मर गए थे इस कॉलेज में. वो उनका वेव आया अंदर चला गया, कोई बचा नहीं पाया उनको. वेरी डेंजरस. बट एनीवे फॉर कृष्णा देयर इज नो डेंजर लाइक दैट. और जब भगवान जब भी कोई चीज़ आनंद करना चाहते हैं, पहला बलराम उनको असिस्ट करने आ जाते हैं. करेक्ट. भगवान के प्लेजर के लिए आप जो भी कुछ भी करते हो, दैट इज बलराम. सब मृदंगों को भी बलराम बोलते हैं. तो जब भगवान लेटना जाते हैं पानी में मजे से, तो अनंत शेष के रूप में बलराम आ जाते हैं उनके सेवा के लिए. ठीक है, दैट इज सिचुएशन. और उनकी निद्रा में भी आँख आधी बंद है. अभी ये लोग योगा के लोग भी इसको मेडिटेट करना चाहते हैं, इमिटेट करना चाहते हैं, क्या करते हैं, आँख बंद करके. और आँख बंद करके क्या करते हैं, सोते हैं ये लोग. ठीक है, सो दैट इज नॉट स्पिरिचुअल लाइफ. इनफैक्ट मैं ये भी देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स, तुम नींद पूरी है ना, तुम्हारी नींद ही के पीछे पड़े हुए लोग. सोना सोना सोना, बस ये उनका मेन लक्ष्य है. अच्छे से सो, अच्छे से सो जाओ. और हम भी पढ़ रहे थे, हम लोग क्या विदुरा बोल रहे थे धृतराष्ट्र को, कुछ लोग सो नहीं सकते. जब धृतराष्ट्र बोलते हैं नींद नहीं आ रही, तो बोलते हैं नींद नहीं आनी, उसके बहुत सारे कारण होते हैं. या तो आदमी काम वासना उसके दिल को तंग कर रही है, एक. और दूसरा रीज़न, उसने किसी से दुश्मनी पाल दी है जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली है. ऐसे करके तरह सारा पैसा उसका निकल गया जो था. तो ये सब अगर चीज़ें हैं तो आदमी सो नहीं पाएगा. तो लोगों के काम है धृतराष्ट्र जैसे, फिर उसके बाद नींद कैसे आएगी उनको, असंभव है. असंभव है. तो यही उनका लक्ष्य हो जाता है, किसी तरह सो जाए. एक्चुअली हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत पढ़ाते हैं, वहाँ पे एक्चुअली 4 साल का कोर्स नहीं है, वो 2 साल का कोर्स है. इसलिए किसी भी कॉलेज में चले जाओ, लोग खाली बैठे रहते हैं. मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को रहती है टाइम कैसे काटे. मेडिकल कॉलेज में दूसरा से थी, बहुत है उनके पास पढ़ने के लिए. टाइम कैसे काटे, टाइम कैसे काटे. तब भी मालूम है वो आधा घंटा एक घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता किसी भी कॉलेज में, IIT ले लो या छोटा कॉलेज ले लो. तब भी जब सुबह उनको क्लास में जाते हैं, ऐसे आँखें कि सो नहीं पाए. क्यों? क्रिया धृतराष्ट्र जैसी है, सोए को कैसे नींद नहीं आती उनको. कुछ ना कुछ चीज़ में फंसे रहते हैं पूरी रात भर. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट हियर इज द भगवान की निद्रा आपके जैसे नहीं है. तो देर आर 4 स्टेजेस एक्सप्लेन इन द श्लोक. एक स्टेज होता है सुषुप्ति, डीप स्लीप, जिसमें स्वप्न भी नहीं आता. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रीमलेस स्लीप. साइकोलॉजिस्ट भी जब लोग सोते हैं, जब सपने आते हैं तो आँखें हिलती रहती हैं ऐसे. पता है आपको? हाँ, है ना, दैट्स हाउ दे से. एंड देन देर इज ड्रीमलेस स्लीप, डीप स्लीप, जिसमें मन भी शांत हो जाता है उसमें. देन आफ्टर दैट, सो फर्स्ट थिंग इज सुषुप्ति, देन 4 स्टेजेस. देन निद्रा, नॉर्मल स्लीप, जिसमें स्वप्न भी आते हैं. देन जागरण, उठ गए हम लोग. और उसके ऊपर तूर्या, तूर्या मतलब ट्रांसेंडेंटल स्टेज. तो जनरली हम लोग ये 3 स्टेजेस में रहते हैं. हमारा कॉन्शियसनेस हमारा 3 स्टेज एक्सपीरियंस करता है, सुषुप्ति, डीप स्लीप, निद्रा जिसमें स्वप्न भी आते हैं, जागरण अभी उठे हुए हम लोग. और इसके ऊपर एक स्टेज है जिसमें पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये 3 स्टेज जो जानवर भी पाता है. इसके ऊपर एक स्टेज है तूर्य, ट्रांसेंडेंटल. सो गर्भोदक्षय विष्णु या शिरोदक्षय विष्णु, दे आर ऑलवेज इन ट्रांसेंडेंटल पोजिशन. इवन दो ही लुक्स लाइक ही स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग, इज टोटली ट्रांसेंडेंटल. ठीक है, दिस इज अ वेरी नाइस मेडिटेशन. एक्चुअली निद्रा के टाइम so many things are happening. It's a very big subject matter, what happens in Nidra time, because we get various experiences in Nidra time. Okay?
But overall, Prabhupada used to say sometime joke, there is, what is say? There is daydreaming and night dreaming. जो रात को जो सपने हैं उसको आप रिजेक्ट कर देते हो बिकॉज उसको दिन में कोई वैल्यू नहीं है. करेक्ट. रात को अपना सपना आया, आप सेठ बन गए, बड़े राजा बन गए, सुबह उठ के बैठा आप तो रूम में ही बैठे हो. सपना आता है, बड़े बड़े हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोग ताली बजा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, सपने करते रहो बस. और दिन में आप उठे उसका तो कोई मतलब नहीं रहा. आपको कोई गोल्ड मेडल मिल गया, उठे आपको कुछ गवर्नमेंट ने मेडल दे दिया, बड़े खुश हो गए. दिन में आया उसका कोई वैल्यू नहीं है. करें प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आत्मा को देखोगे तो उसके लिए दोनों सपने. रात के सपने को आप क्यों रिजेक्ट कर देते हो, एक दो घंटे का है. ये दिन का भी जो पूरा आपका जीवन है, ये जीवन जन्म और मृत्यु के बीच में आत्मा के लिए जिसका कोई समय नहीं है, आत्मा के लिए करोड़ों 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 साल भी कुछ नहीं है, आत्मा नित्य है, उसके लिए आपका 50-60 साल का जीवन जो है एक सपने के बराबर है, बहुत छोटा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है. डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो वी शुड कंसिडर दैट वी शुड नॉट बी. फर्स्ट थिंग, कीप आवर लाइफ प्योर. एक्चुअली आचार्य लोग जो जनरली देते हैं, दे स्लीप 2-3 आवर्स बिकॉज द लाइफ इज वेरी प्योर. एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड, बॉडी डजंट नीड मच स्लीप, इट्स अ माइंड विच नीड्स मोर स्लीप. मन थका रहता है, शरीर, क्योंकि आचार्य लोग अगर ये बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल होता है, so how the Goswamis and Prabhupada, they were sleeping 2 hours. Even Bhaktivinoda Thakur, they are sleeping only 2 hours. They are taken a material body which they are using for Krishna service. Correct. So 2-3 ghanta chahiye sharir ko rest, uske baad man ko chahiye rest. But when the man is turiya, then it is fresh all the time. It is fresh, it is feeling spiritual happiness. Kabhi kabhi Shishi Radha Govind ki, kabhi kabhi jab galti se dhyan se jab kar lete, तूरिया फील होता ना, मन बहुत खुश. तो जो आचार्य लोग होते हैं 24 घंटे उनका मन खुश, एंड नॉट ओनली खुश, उसके ऊपर भी दे फील भगवान से विरह, सो मेनी वेव्स एंड सो मच रिपल्स ऑफ प्लेजर ऑफ सर्विंग कृष्णा. सो दे आर इन द ट्रांसेंडेंटल ब्लिसफुल सिचुएशन, देयरफॉर दे हार्डली स्लीप. द पीपल इन द मेटल वर्ल्ड, जैसे तामसिक आदमी सोता है 10-12 घंटा, राजसिक आदमी 7-8 घंटा, एंड देन सात्विक आदमी 5-6 घंटा, और तूर्य जो ट्रांसेंडेंटल पहुंच गया 2-3 घंटा. ठीक बोल सकते हैं, है ना. दे कैन ईट, बट प्रॉपर डिड नॉट पुश ऑन दिस पॉइंट. ही सेड दैट टेक रेस्ट सो दैट यू कैन बिकम फ्रेश टू सर्व कृष्णा. ही वाज नॉट घंटे काउंट करके, देन व्हाट हैपेंड, दैट वुड हैव बिकम द क्राइटेरिया. Even though by personal example is showed, everybody used to sleep at 10 o'clock. Prabhupada also used to sleep. But then they get up at 4 o'clock, 5 o'clock. He is up by 12 o'clock. He is busy now writing. He has so much to do for Krishna. Time is very less. In fact, the enthusiasm to continuously serve Krishna shows this advancement of somebody. हम तो किसी का टेम्परेचर ले नहीं सकते भाई, वो तूर्य है, वो सत्वगुण में है, रजोगुण में है, हम तो देख नहीं सकते. लेकिन सीइंग इज कॉन्स्टेंट एंथुजियाजम टू सर्व कृष्णा, वी कैन नो वेरी इजी. ठीक है. इज ही वेरी एंथुजियास्टिक टू सर्व कृष्णा, इटली दैट इज वेरी नाइस. सो वी शुड ट्राई टू रीच ट्रांसेंडेंटल पोजिशन एंड नॉट बी ड्रैग्ड. एंड दिस सो कॉल्ड योगा सोसाइटीज विच टीच स्लीपिंग, कुछ कुछ बकते रहते हैं इधर उधर, उसके बाद वहीं हॉल में मैंने देखा है ये लोग आजकल सुलाते हैं लोगों, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, सोहम सोहम, ये कुछ उनकी नाटक होता है, उसके बाद सो जाओ सब लोग. एंड पीपल स्लीप इन द हॉल बिकॉज दे फील लिटिल सम, बिकॉज एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इवन इम्पर्सनल फॉर सम टाइम विल काम डाउन द माइंड. पीपल फील हा व्हाट अ स्लीप आई हैड, क्या अच्छा नींद आया मेरे को. प्रभुपाद जी बोलते थे व्हेन आई एम गोइंग टू स्लीप आई फील आई एम वेस्टिंग माय टाइम, मैं टाइम बर्बाद करने जा रहा हूँ, मैं टाइम बर्बाद करने जा रहा हूँ. ठीक है. सो वी शुड ट्राई टू एक्चुअली सी वी आर इन अ प्रॉपर सिचुएशन. ठीक है. सो द लॉर्ड हैज हैविंग फॉर्म, ही इज स्लीपिंग इन अ फॉर्म. सो भगवान का आकार है. ठीक है. ही इज नॉट स्लीपिंग विदाउट फॉर्म. आंख आधी आंख बंद करके, मतलब भगवान का सुंदर रूप है. आपका भी आत्मा का भी इस दुनिया में जो आत्मा आई है
बहुत छोटा है साइज, लेकिन तब भी रूप है। जैसे कभी कभी आपको किताब में कीड़े देखें, छोटा सा होता है फुल स्टॉप के बराबर। इट लुक्स लाइक इट डजंट हैव शेप बट इट हैज अ शेप इफ यू कैन ओपन अ माइक्रोस्कोप। छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस, लगता है कुछ शेप नहीं है, पॉइंट पॉइंट नहीं है, अगर आप खोलोगे उसका शेप है। सो सेम वे आत्मा हैज अ शेप। प्रॉपर्ली एक्सप्लेन, ये जो ड्रेस पहन रहे हैं दैट इज बिकॉज इट इज अ शेप ऑफ द आत्मा। नहीं तो हाउ डू यू रिलेटिंग टू दिस बॉडी? हाथ, अंदर कुछ हाथ होना चाहिए तब यह कनेक्शन हो रहा है, करेक्ट? आप सोच रहे हैं मेरा हाथ है, एक्चुअली ये कनेक्टेड है, असली हाथ अंदर है, आत्मा का हाथ है। आप इस हाथ को गलत समझ रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव अ फॉर्म एंड अ गॉड हैज अ इटर्नल फॉर्म, बट आवर फॉर्म इज टेम्पररी, ठीक है? दिस फॉर्म इज गोइंग टू लाई। लेकिन ये फॉर्म क्या है? जैसे जेल के अंदर जाते हैं, क्या होता है? आपसे बोलते हैं ड्रेस दो, आपका जो भी पैंट सूट पहन के गए ले लेते हैं, एंड दे गिव यू प्रिजनर्स ड्रेस, ठीक है? नहीं, और जब आप जेल के बाहर जाते हो तब आपको पुरानी ड्रेस मिल जाती है। मालूम है किसी ने? कैसे मालूम है? पुरानी ड्रेस वापस मिल जाती है, ठीक है? नहीं, तो सेम वे व्हेन वी लीव द स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ओरिजिनल ड्रेस इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल बॉडी इज रिमूव्ड बट वी आर कवर्ड बाय अ मटेरियल ड्रेस। ये जो मटेरियल ड्रेस है ये, दिस इज, देयर इज अ प्रूफ ऑफ अ रिवोल्ट टू कृष्णा। जैसे जेल में जो ड्रेस है, कैदी नंबर है, इट्स अ प्रूफ ऑफ अवर रिवोल्ट टू द किंग। जेल के अंदर बैठा है कैदी, कोई भी कैदी नंबर मींस उसने नियम तोड़ा है। नियम तोड़ा मतलब रिवोल्ट किया है। राजा के नियम, राजा ने बोला आपको ये पालन करना है, ये पालन करना है, रिवोल्ट किया, इसलिए इधर है, इसलिए जेल के अंदर है। तो सिमिलरली हम लोग भी देखें शरीर, ये तो आध्यात्मिक है नहीं, थोड़ा टेस्ट कर लो। कभी कभी डाउट होता है, इसमें खून है? आध्यात्मिक शरीर में खून नहीं होता, हड्डी नहीं होता, ये क्या कहते हैं आपका वेंस नहीं होता, इट्स डिफरेंट, इट इज़ स्पिरिचुअल, इट इज़ इटर्नल। अभी ये बुढ़ापा आ रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा ये आध्यात्मिक शरीर नहीं है, मतलब ये प्रिजनर्स का ड्रेस है, मतलब हम रिवोल्ट किए हैं, वी आर रिवोल्टेड अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ कृष्णा, ठीक है? सो प्रॉपर सेज देयर इज नो नीड, अननेसेसरीली वी हैव ब्रॉट अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस, ठीक है? सो इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन वी शुड ट्राई फाइनली गो बैक टू कृष्णास लोटस फिट। कल डिस्कस कर रहे थे ना, सत असत, सर्टेन थिंग्स आर इटर्नल, सर्टेन थिंग्स आर टेम्पररी, ठीक है? फ्रॉम बीज, फ्रॉम द सीड ट्रीज फॉर्म, द सीड डज नॉट एग्जिस्ट, सो फ्रॉम द कॉज इफेक्ट इज फॉर्म, बट स्पिरिचुअल कॉज फ्रॉम विच वी द होल मैनिफेस्टेशन हैज कम, फ्रॉम विच वी हैव कम, इज इटर्नल। सो द मिशन ऑफ लाइफ इज समहाउ वी गो बैक टू द कृष्णास लोटस फिट, दैट इज अ सिंपल मिशन ऑफ लाइफ वी शुड हैव, एवरीबडी शुड हैव, एंड द होल लाइफ बिकम्स अ प्रिपरेशन। बट कृष्णास योग निद्रा इज सो पावरफुल दैट ऑल काइंड ऑफ डिजायर्स, हमारा जो स्वप्न होता है ना वो सत्य नहीं होता, ठीक है? स्वप्न में देखते हैं राजा बन गया, अब राजा नहीं बनते, बट स्वप्न भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज सम अदर डे। बट कृष्ण के स्वप्न ये टोटल क्रिएशन है, दिस टोटल क्रिएशन इज स्वप्न ऑफ द लॉर्ड, जस्ट इमेजिन। हमारे जितने भी इंद्रिय भोग के विचार हैं दैट इज अ स्वप्न। द वट इज द वेकफुलनेस ऑफ द लॉर्ड, दैट इज द लीला ऑफ द लॉर्ड, वेकफुलनेस कृष्ण इज प्लेइंग विद डिवोटीज, इज ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग ट्रांसेंडेंटल ब्लिस इन happiness in service to the devotees, in service in transcendental relationship to the devotees. I'll just see if any other point we have missed. This is called Adi Purusha, the original personality of Godhead. Prabhupada said, don't mistake the sleep of the Lord. Kaha mandir dekhe aapne, Bhagwan ke sone wale? Trivandrum mein dekha hai? हाँ, त्रिवेंद्रम का आनंद, ये पद्मनाभ टेम्पल, हाँ, देन श्रीरंगपटना में भी है, काठमांडू में भी है, हाँ, दैट इज ऑल्सो वर्शिपेबल। अ नॉर्मल आदमी जब सोता है दैट इज नॉट वर्शिपेबल, ही इज इन डेफिनेटली इन तमोगुणा।
एंड डिवोटी अभी थोड़ा बाहर रहने का कोशिश कर रहा है. समटाइम्स इन डिवोटी इन ड्रीम कैन प्रे टू कृष्णा. ही इज़ नॉट सो मच तामसिक बट जनरली वी डू गो टू तमोगुणा व्हेन ही स्लीप. बट एज द डिवोटीज एडवांस इवन सोते समय वो तमोगुण में नहीं जाते. इवन इन द ड्रीम दे आर ऑफरिंग सर्विस टू कृष्णा. दैट इज वेरी एडवांस्ड तूर्य. वैसे लोग कहीं सो भी गए दैट प्लेस ऑल्सो बिकम्स वर्शिपेबल. कह रहे कोई आचार्य लोग कहीं सो गए दैट इज ऑल्सो वर्शिपेबल. दैट इज ऑल्सो इन द स्लीप ऑल्सो दे रिमेन कृष्णा कॉन्शियस. सी द गोपीज वी डिस्कस आर वर्शिपेबल बिकॉज दे आर ऑलवेज एब्जॉर्व्ड इन कृष्णा. क्या है वाई वाई दे आर वर्शिपेबल बिकॉज दे आर ऑलवेज एब्जॉर्व्ड इन कृष्णा. हमेशा कृष्ण का स्मरण रहता है. तो जो महान भक्त होते हैं वो सोते समय भी कृष्ण का स्मरण करते हैं. नींद में भी वो भगवान को नहीं भूलते. हम लोग नींद में 100 दिन में ही नहीं याद रहते भगवान, नींद में क्या याद रहेंगे. तो जो महान भक्त होते हैं दिन में तो डेफिनेटली कृष्ण की सेवा करते रहते हैं और रात को भी कृष्ण का स्मरण रहता है उन्हें. ठीक है. सो जो योगा सोसाइटीज हैं दे ट्राई टू प्रैक्टिस दिस स्लीपिंग बट प्रॉपर से दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. ध्यान अवस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति योम योगिनः. योगी मीन्स ही शुड ऑलवेज मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. दिस प्रैक्टिस ऑफ योगा विल बी सक्सेसफुल. प्रभुपाद की. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.